नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि गर्मियों के मौसम में सुराही में पानी ठंडा क्यों रहता है। आखिर ठंडी में ठंडा क्यों नहीं महसूस होता, केवल गर्मी में ही क्यों महसूस होता है? और महसूस ही नहीं, वास्तव में हमको राहत भी मिलती है और अच्छा भी लगता है जब हम सुराही का पानी पीते हैं। तो इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, हम लोग इसे आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो सुराही होती है वो मिट्टी की बनी होती है और पानी ठंडा मिट्टी की ही सुराही में होगा। अगर आप लोहे तांबे की सुराही बनाएंगे तो उसमें नहीं ठंडा होगा। तो मिट्टी की बनी होती है और इस मिट्टी को पकाया जाता है। और इसमें होता क्या है कि इस सुराही के चारों ओर असंख्य, करोड़ों अरबों, असंख्य कह सकते हैं, छिद्र होते हैं जो हमको आँखों से दिखाई नहीं देते। यानी कि अंदर से बाहर की ओर सुराही के चारों ओर बहुत पतले छिद्र होते हैं, छेद होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से कभी भी नहीं देख सकते। तो जब इस सुराही में पानी भरा होता है तो उन्हीं छिद्रों के माध्यम से ये अंदर से बाहर निकलता रहता है और फिर वाष्प बन करके उड़ता रहता है। इसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण के कारण पानी ठंडा होता है। अब इसमें होता क्या है आपको समझना है। वेपोराइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, यानी कि वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया हर तापमान पर होती है। जब तापमान बढ़ता है, जैसे गर्मी के समय में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या फिर इससे भी ज़्यादा पहुंच जाता है उत्तर भारत में, तो क्या होता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि पानी वाष्प बन करके वायुमंडल में विलीन होने लगता है। और जब पानी वाष्प बन जाता है तो हमें आँखों से दिखाई नहीं देता कि पानी उड़ रहा है। तो जितना ही तापमान बढ़ता है और जितनी ही हवाएं तेज चलती हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया उतनी ही तेज हो जाती है। तो ठंडी के मौसम में वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी रहती है क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे भी कम, 2 डिग्री, कभी कभी 0 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर इतनी धीमी प्रक्रिया होती है कि उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, न के बराबर। लेकिन गर्मी में जब तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है तो इसकी वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज हो जाती है। तो देखिए, एक बात एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई भी जब कार्य होता है तो उसमें ऊर्जा खर्च होती है। तो जब वाष्पीकरण होता है पानी का तो वो ऊर्जा इस तापमान से ग्रहण करती है। यानी ये जो पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका तापमान घट जाता है क्योंकि वही तापमान यहाँ पर एडजस्ट हो जाता है। यानी कि जब वाष्पीकरण होता है तो सुराही के अंदर के जल का तापमान घट जाता है। जैसे 4 डिग्री सेल्सियस है तो लगभग 3 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, या फिर 5 डिग्री या 6 डिग्री सेल्सियस है तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और पहले भी जब भरा गया था मान लो तब भी ठंडा था, लेकिन जब वाष्पीकरण हुआ तो थोड़ा और ठंडा हो गया। लेकिन बाहर का तापमान 45 डिग्री है, तो जब बाहर हम जहां पर हैं वहां का तापमान जब 45 डिग्री है तो हमको बहुत गर्मी महसूस हो रही है। और उस स्थिति में जब सुराही के अंदर का 4 डिग्री 3 डिग्री या 6 डिग्री तापमान का जब हम पानी पीते हैं, तो चूंकि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, तो जब ये ठंडा पानी पीते हैं तो वाकई में हमको ठंडा महसूस होता है। तो सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया से। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान ये तापमान घट जाता है। यही हाल हमारे शरीर में भी होता है। जब हमारा शरीर पसीने से तर हो जाता है, हमारे शरीर में खूब पसीना होता है, उस स्थिति में जब पंखा चला देते हैं तो हमको ठंडक महसूस होने लगती है। कारण क्या है, कारण यह है कि वो पसीना वाष्प बन करके उड़ने लगता है, यानी उस पसीने का वाष्पीकरण होने लगता है। और वाष्पीकरण के दौरान हमारे शरीर का तापमान थोड़ा सा कम कर देता है, यानी कि जो गर्म तापमान था पानी का, वो जब वाष्पीकरण होने लगा तो शेष बचा हुआ पानी का तापमान घट गया, जिसके कारण हमको ठंडक महसूस होने लगती है। और जितना ही पसीना रहता है उतना ही ठंडक महसूस होती है। जैसे ही पसीना पूरा गायब हो जाता है तो हवा वही है,
लेकिन हमको ठंडक महसूस फिर नहीं होती। तो सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है? वाष्पीकरण के कारण। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए नमस्कार।